नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। इस वीडियो का मकसद आपको हड़बड़ी पैदा करना या डराना नहीं है, बस हमें आपको वो बात बताना है जिससे आप सतर्क रह सकें। जिसने चीन सहित कई देशों में हड़कंप मचा रखा है वो है कोरोना वायरस, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। चीन में अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 इससे पीड़ित हैं। अब इस खतरनाक वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दिया है। पिछले दिनों चीन से लौटे 3 भारतीय लोगों में वायरल के सबूत मिले हैं। केरल में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है और केरल में कोरोना वायरस को आपदा घोषित किया है और मुंबई पोर्ट भी कोरोना वायरस खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट किया है, हाई अलर्ट पर है। क्रूज पर आ रहे और कार्गो शिप के कुछ सदस्य जो कुछ वक्त पहले चीन से आए हैं, उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन से आने वाले भारत में उनके लिए रोक तो लगा दी है, लेकिन हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर लोगों की जांच किया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन में भारत के 27 छात्र फंसे हैं, जिनमें से 7 लोग महाराष्ट्र के हैं। पिछले दिनों एक ऐसे डॉक्टर की मौत हुई जो चीन में सबसे बड़े रिसर्च में बताया था, चीन को अलर्ट किया था, जिनका नाम है ली वेनलियांग। अब उनकी मौत हो गई है, जिसकी खबर आपको आई होगी। डॉक्टर ली इस वायरस के 7 लक्षण पकड़े हैं, लोगों को जागरूक कर रहे थे। इसके पहले 2003 में दुनिया भर में महामारी बन गया था, उसमें 100 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। अब डॉक्टर ली जिस बीमारी का पता लगा रहे थे, कौन सी बीमारी है, लेकिन पता लगाते लगाते खुद कोरोना वायरस के गिरफ्त में आ गए। वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस वायरस का पता नहीं लगा पा रहे हैं और इस बीमारी का दवा भी भारत देश में मौजूद नहीं है, जिससे इसके चपेट में आए हुए लोगों की इलाज हो सके। इसके पहले हमने एक डॉक्टर से बात की थी इस वायरस को लेकर, जिसका नाम जो है डॉक्टर का था सिद्दीक शेख जो थे, उन्होंने हमसे बात की थी। हमने उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से वायरस फैल रहे हैं, ये कहां से वायरस आ रहा है। चीन में जिस तरह से खतरनाक जो है वायरस फैला हुआ है, जिससे पूरा देश दहशत में है, जिसकी दवा मौजूद नहीं है, अभी इसको रिसर्च किया जा रहा है। कोई कहता है चमगादड़ में पाया जाता है, तो कोई कहता है सांपों में मिलता है। कोरोना वायरस तरह तरह के न्यूज़ चैनलों पर बताया जा रहा है, यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है चीन में इसको बनाया गया है, किसी इलाके में छोड़ना था, लेकिन चीन के लिए ही खतरनाक साबित हो गई। हर न्यूज़ चैनल अपना TRP लेने के लिए कुछ भी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस चीन के आसपास के देशों में अपना दहशत फैला दिया है। हवा से तेज रफ्तार है कोरोना वायरस की, लेकिन हमने जो आज आपको खबर बताया है उससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।